नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। रामपुर बघेलान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मध्य प्रदेश आपका ध्यान प्राइवेट स्कूलों के नियम समस्याओं की ओर आकृष्ट कराना चाहता है। कक्षा पहली से बारहवीं तक के विद्यालयों को कोरोना गाइडलाइन के अनुसार अति शीघ्र खोलने का कष्ट करें। आरटीआई की राशि का वर्ष 2011/12 से वर्तमान सत्र 2021/22 तक का भुगतान अति शीघ्र करवाया जावे। कक्षा पहली से कक्षा आठवीं तक की मान्यता का नवीनीकरण एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए। यह पुरानी व्यवस्थाओं एजुकेशन पोर्टल के अनुसार मान्यता आवेदन कराया जाए, क्योंकि स्कूल बंद होने के कारण मोबाइल ऐप से मान्यता नवीनीकरण आवेदन कर पाना संभव नहीं है। कुछ और बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। सतना एमपी न्यूज कास्ट चैनल से संवाददाता ऋषिकेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। ये कोरोना कालखंड में कंटिन्यूअस सरकार के द्वारा बहुत सारे विषय हैं जिनका जो है हम लोग अपने विषय पहुँचाना चाह रहे हैं, जैसे नवीनीकरण का मामला हो, विद्यालय खोलने का मामला हो, और आईटी के माध्यम से एक सरकार की योजना सरकार उनके एवज में प्राइवेट विद्यालय अपने तरफ से एक मत प्रदान करते हैं। निश्चित रूप से वो लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ, उस संबंध में ये विषय हम लोग जो है चाहते हैं कि आपके माध्यम से वहाँ तक हमारी बात पहुँचा जाए। इसमें ये भी चाहते हैं हम लोग कि कोरोना गाइडलाइन आपके स्कूल खोल दिए गए और दूसरे प्रदेशों में भी स्कूल खुल गए हैं, हम तो यहाँ पर परमिशन दे रहे हैं, तो उसी के लिए कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए मध्य प्रदेश में हाँ नहीं, फिर भी क्या है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हम चाहते हैं कि हमारा विषय वहाँ आपके माध्यम से पहुँचेगा तो वो सुविधाजनक है। एक प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में एक गैप हो गया, दो सालों से छात्रों का भविष्य जो है और कुल मिलाकर के चिंतनीय विषय है।